हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागॉजी के 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दशगीतिका गणित ग्रंथ के लेखक हैं। दशगीतिका गणित ग्रंथ के लेखक हैं आर्यभट्ट। सेकंड क्वेश्चन है, मैथेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैथेटिक्स सोसाइटी की स्थापना प्रोफेसर बी एन प्रसाद ने की। मैथेटिक्स सोसाइटी की स्थापना प्रोफेसर बी एन प्रसाद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं, तो मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन विधि जो है वो रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि आगमन विधि है। सूत्र की रचना करनी होती है कि पहले उदाहरण होते हैं, बाद में हम नियम की ओर जाते हैं, तो क्या हो गया, सूत्र की जो रचना होती है, सूत्र की रचना के लिए जो सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी विधि है? जहाँ पहले से ही नियम बता दिए जाते हैं वो होती है निगमन विधि, जहाँ पे हमें सूत्र की रचना करनी पड़ती है वो होती है आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने किया। किसने किया? ब्रह्मगुप्त जी ने शून्य का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। नवीन प्रश्नों को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन विधि को कहते हैं। नवीन प्रश्नों को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि है। तो ज्यामिति की समस्या को हल करने की जो सर्वोत्तम विधि है वह विश्लेषण विधि है। कौन सी विधि है? विश्लेषण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? इसमें पूछा जा रहा है कि गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? तो सबसे अच्छा उपयोग हेनरी कुक ने किया। किसने किया? हेनरी कुक ने। और कुक को खेल विधि का जन्मदाता भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पाई कैसी संख्या है? तो पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति कैसी होती है? गणित की प्रकृति तार्किक होती है। कैसी होती है? तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है? किसने कहा है? रोजर बेकर ने। यहाँ पर आपको केवल बेकर भी लिखा जा सकता है। तो यह किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है? रोजर बेकर ने कहा। नेक्स्ट है, सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई? कि सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई? फिशर के द्वारा। किसके द्वारा? फिशर के द्वारा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? तो गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? तो जो कमजोर छात्रों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो कौन सी है? संश्लेषण विधि। नेक्स्ट है, अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि है? अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि है। कौन सी विधि है? निगमन विधि है। नेक्स्ट है, निम्न या छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि कौन सी है? जो निम्न कक्षाएं होती हैं, जो छोटी कक्षाएं होती हैं या जो छोटी कक्षाएं होती हैं उनके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? तो जब विशिष्ट मतलब उदाहरण हो गए, विशिष्ट उदाहरण, उनसे सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? आगमन विधि। अगर सामान्य से विशिष्ट की ओर बोल देंगे तो क्या हो जाएगी? निगमन विधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गणित विषय की पाठ्य वस्तु किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, गणित विषय की पाठ्य वस्तु संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। पाठ्य वस्तु जो है, पाठ्य पुस्तक जो है, वो किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? संश्लेषण विधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया? रेखा गणित को ब्रह्मगुप्त ने व्यवस्थित रूप प्रदान किया। रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया? तो रेखा गणित को ब्रह्मगुप्त ने व्यवस्थित रूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियम की सहायता लेते हैं? तो सूत्र तथा नियम की सहायता लेते हैं, वह विधि है निगमन विधि। कौन सी विधि है? निगमन विधि। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आगमन विधि है। जब सूत्र की रचना करनी होती है तो विधि कौन सी होती है? आगमन विधि होती है। और हम सूत्र तथा नियम की जब सहायता लेते हैं, या पहले से ही नियम व सूत्र बता दिए जाते हैं, तो वह कौन सी विधि होती है? निगमन विधि होती है। कौन सी विधि होती है? निगमन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु। तो विभाजन ई का उपयोग क्यों करते हैं? रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई जो है 3.1416 का प्रतिपादन किसने किया था? तो पाई 3.1416 का प्रतिपादन आर्यभट्ट प्रथम ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट प्रथम ने। गणित को विज्ञान का नौकर माना गया है। गणित को विज्ञान का नौकर माना गया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बेल नामक वैज्ञानिक का। किसका है? बेल नामक वैज्ञानिक का। तो इस तरह से 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सेकंड कराएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।